नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आप सभी का स्वागत है युवाओं पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में। दोस्तों, शक्ति का स्वरूप बेटियां, महिलाओं को शक्ति का स्वरूप कहा जाता है, देवियों से उनकी तुलना की जाती है, लेकिन इन देवियों के साथ जुड़ी है एक वो चीज जिस पर बात करने से हम सभी कतराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महावारी पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अलग अलग नामों से जाना जाने वाला ये जो एक टैबू है, ये हमारे देश में वो विषय है जिस पर कभी कोई बात नहीं करना चाहता। महिलाओं के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं होता। ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, या मुझे मार्केट जाना है, लेकिन अगर मुझे पीरियड्स आ जाते हैं तो अब मैं उन सवालों के घेरे में चली जाती हूँ। क्या यहाँ जाना सही होगा? क्या मुझे यहाँ पर जाने पर ये काम करने की अनुमति है? क्या मेरे ये करने से कुछ अनहोनी या कुछ ऐसा दोष तो मुझे नहीं लग जाएगा जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज हम इस पर बात भी करेंगे और मेरे साथ कुछ देवियां मौजूद हैं जो बताएंगी कि आखिर मेंस्ट्रुअल लीव क्यों जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मामला महिला एवं बाल विकास को सौंप दिया है। क्या वही डिसाइड करेंगे कि महावारी में छुट्टी जरूरी है या नहीं? तो हम युवाओं से ही जान लेते हैं कि उनको छुट्टी चाहिए या नहीं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं पहला सवाल यही करूं, मीनाक्षी आपसे ही मैं करना चाहूंगी, मेंस्ट्रुअल लीव क्यों जरूरी है, यानी कठिन दिनों में हमें छुट्टी क्यों चाहिए? कठिन दिनों में हमें छुट्टी इसलिए चाहिए क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से उस दिन जूझ रहे होते हैं। पहला दिन जब हमारा हो रहा होता है तो उस दिन हमें बहुत सारे सीवियर पेन हो रहे होते हैं, हम मेंटली नहीं इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम उस चीज़ को अचानक से बेयर कर पाए। तो मुझे लगता है कि पीरियड्स का जो पहला दिन होता है उसमें तो एटलीस्ट छुट्टी मिलनी चाहिए, और मेल्स को भी समझना चाहिए अपनी वाइफ के लिए कि उनसे काम ना लें, उनसे काम ना करवाएं, उनकी जगह वो खुद काम करें। और घर पे जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, जो घर पे अपने मम्मी पापा के साथ रह रही है, तो माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए कि लड़की को आराम दे उस दिन, उसको काम ना कराएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी मिलनी भी चाहिए। तो पर्टिकुलर पर्सन, अगर लड़की को लग रहा है कि उसको ज़रूरत है छुट्टी की, उसको आराम की ज़रूरत है, तो उसे बिल्कुल मिलनी चाहिए, और उसको लग रहा है शी इज़ फ्री, शी कैन वर्क, तो वो उसकी मर्जी है आगे। चलिए ठीक है, यानी ये कहा जाए कि अगर उसे ज़रूरत है तो उसको छुट्टी दी जाए, यानी इस छुट्टी को हम ऑप्शनल माने, कंपलसरी ना माने। जिस तरह से हमने देखा रितिका, बात की जाती है आज के समय में कि लड़कियां इक्वल हैं, हर जगह हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन जो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई उसमें दलीलों में ये बात कही गई कि अगर महिलाओं को ये छुट्टी दे दी गई तो महिलाओं की एफिशिएंसी पर बात हो गई, वहां पर ये कहा गया कि फिर महिलाओं को शायद नौकरी देने से लोग बचेंगे, कि इनको तो भैया एक दो दिन की मेंस्ट्रुअल लीव देनी पड़ेगी, यानी उन दो दिन ये महिला कर्मी हमारी आएगी नहीं तो हमारे काम में कहीं ना कहीं बाधा आएगी, इसलिए हम महिलाओं को अपॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि मेंस्ट्रुअल लीव उन्हें देनी होगी। इस बात को कितना सही मानती है? देखिए, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके लिए महिलाएं ही बनी हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं और बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें महिलाओं का ही एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो उन जगहों पर अगर आप कहेंगे कि आप उन्हें अपॉइंट नहीं कर रहे हैं तो एक तरीके से आपका खुद का भी लॉस है, तो उन्हें इस पर चर्चा करने का कोई हक नहीं बनता। और दूसरी चीज़, ऐसे बहुत सारे कैंप्स देख रहे हैं हम जो बन रहे हैं, जो एक टेक्नोलॉजी की तरह क्या करते हैं, वो बेल्ट बनाते हैं और मेल्स को वो ट्राई करवा रहे हैं कि पीरियड क्रैम्स देते हैं, तो उनके एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाता है कि उन्हें वो क्लिक हो गया कि कितना पेन होता है। तो वो जो चीज़ है उस पर उन्हें गौर फरमाना चाहिए और देखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या हो जाती है ना, कि अगर वुमेन्स जिनके पास लीव अपॉर्चुनिटी नहीं है, उन्हें एज एन एम्प्लॉय काम पर आना ही है, तो वो क्या करेंगी, काम पर आएंगी पर कुछ तरीके की मेडिसिंस लेंगी पेन रिलीफ करने के लिए। अब पेन रिलीफ करने के लिए जब आप मेडिसिंस ले रहे हो, कहीं ना कहीं ये फर्टिलिटी इशू पे आता है, तो एक तरीके से आप कहीं ना कहीं कंट्री को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हो अगर आप बड़े लेवल पर देखा जाए तो। तो हर चीज़ को देख करके, और इस पर एक और चीज़ बहुत बड़ी आती है कि अगर आप उन्हें दो दिन का लीव दे देंगे तो रेस्ट के बाद प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा, वो दो दिन आकर काम नहीं करेंगी वहां पर बैठकर, तो भी कोई आपके लिए लॉस ही है एक तरीके से, उनकी प्रेजेंस से, किसी के बैठ जाने से कोई मतलब नहीं होता, काम करने से मतलब है। तो रेस्ट के बाद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हमारे कार्य क्षेत्रों में, ऑफिसेज में, वर्क स्पेसेस में, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो घर में है, गृहस्थी संभाल रही है, मैं हाउसवाइफ्स की बात कर रही हूँ। अमीषा, आपसे चाहूंगी इस पर आप जरूर बात करें कि जो हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, प्रचलित मान्यताएं हैं, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत खाओ, खाना मत बनाओ, बच्चे भूखे हैं, पिता खिचड़ी बना रहे हैं, बाहर से खाना ला रहे हैं। तो वर्क स्पेसेस पे अगर महिलाओं को छुट्टी मिलती है
तो जो गृहिणी है उनको तो पहले से ही छुट्टियां दे दी जाती हैं ऐसे विषयों पर, तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? जो काम पर जा रही है उन्हीं महिलाओं को छुट्टी मिलने का हक है, जो घर पर बैठी है उनको थोड़े बहुत काम अलाउड है लेकिन थोड़े बहुत काम उन्हें नहीं करने, क्योंकि वो एक धार्मिक मान्यता का विषय। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारी मम्मी काम करती है और उनके पीरियड्स आ जाते हैं तो 2-3 दिन तक वो किचन में नहीं जाती है, ना ही मंदिर में जाती है, तो और बाकी के काम उन्हें करने पड़ते हैं, पर वो बता नहीं पाती कि मैं क्यों किचन में नहीं जा रही हूँ। अगर उनकी मदर इन लॉ है या कोई भी है तो वो नहीं बताएंगी कि मुझे ये दिक्कत है। अगर बता भी देंगे तो किचन का काम नहीं करना, मंदिर में नहीं जाना, बाकी उन्हें सारे काम करने हैं, और उन्हें मतलब ये हो जाता है ना कि आप किचन का काम नहीं करें तो आपको और डबल काम मिल जाएगा कि नहीं भाई आज किचन में नहीं जाना, आज ज़्यादा कपड़े धो लेना। तो ये मुझे लगता है कि आपको घर पर भी थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। अगर आप आराम नहीं कर पाएंगे तो आपका कहीं मन नहीं लगेगा और आप चिड़चिड़ापन करते हैं, और इससे क्या आपके आसपास की जो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें भी नेगेटिविटी फैलती है। तो जितना आप हम सोचते हैं कि ऑफिस में भी अगर वुमेंस को लीव मिलनी चाहिए तो घर पर भी अपनी मम्मियों को, अपनी जो बहनें हैं, जो अपनी भाभी वगैरह जो भी हैं, उन्हें घर पर भी आराम करने का मतलब देना चाहिए कि अगर आपके पीरियड्स हैं तो आप घर पर आराम करें। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि इस लीव के पीछे का जो मकसद है वो आराम है। पीरियड क्रैम्प्स हैं, किसी किसी को फीवर आ जाता है, किसी किसी को इतना दर्द होता है कि अब इस पर रिसर्च होने लगे हैं कि महिला को पीरियड्स में हो रहे वाला पेन हार्ट अटैक के पेन के बराबर है, है ना। और ये हम ही समझ सकते हैं, वही महिलाएं ही समझ सकती हैं, फीमेल्स ही समझ सकती हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझती हैं, और ये हर महीने आने वाली आपदा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आराम के लिए अगर इस छुट्टी को दिया जा रहा है तो फिर इसका मिसयूज भी हो सकता है। संजना मुझे बताएंगे कि इसका मिसयूज कैसे रोका जाएगा? फिर मिसयूज भी हो सकता है, जैसे कि लड़कियां अब मतलब उसको नहीं है पीरियड्स, उसके बाद भी वो बोल रही कि मुझे लीव चाहिए, जिससे देखा जा सकता है कि लड़कियां मतलब उसका मिसयूज कर रही हैं, नहीं जा रही हैं काम पे, तो कंपनी जाहिर सी बात है कि वो उन्हें नहीं रखना चाहेगी, जॉब ऑफर भी नहीं देती है कोई कोई सी कंपनियां, तो जो मिसयूज इसी तरह से हम देख सकते हैं। और जैसे कि अगर लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी लोग जानते हैं कि ये मासिक जो 5 दिन होते हैं वो 5 दिन उनके लड़कियों के लिए बहुत ही कठोर होते हैं, जैसे बोलते हैं वीकनेस टाइम होता है ये, तो लड़कियां ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द इस टाइम झेलती हैं जब भी कोई मासिक धर्म होता है, तो मतलब लड़कियों को कहा जा सकता है कि लीव मिलनी चाहिए, पर 2-3 दिन की लीव मिलनी चाहिए, ना कि 5 दिन 6 दिन, क्योंकि 2 दिन काफी है मतलब इस। यानी संजना का मानना है कि छुट्टी मिलनी चाहिए, 2-3 दिन मिले बस, इससे ज्यादा ना मिले लेकिन छुट्टी मिलनी चाहिए क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता है। चलिए आंचल आपसे अब मैं समझना चाहूंगी, ये तो बात हो गई कि छुट्टी कितने दिन की मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब मेल फ्रेटर्निटी की इसमें बात आती है, हम ये बात कर रहे हैं कि घर के लोगों को समझना चाहिए या आदमी नहीं समझ पाते, मेल्स नहीं समझ पाते हमारे इस पेन को और इन सब चीजों को, तो इस ये एक ऐसी चीज है जिसे एजुकेशन में भी लाना चाहिए, पाठ्यक्रमों में भी इसको करना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा ये ऐसा विषय है जिस पर कभी कोई बात नहीं करता, तो क्या अवेयरनेस की और भी ज्यादा जरूरत है हमारे देश में इस पीरियड्स को लेकर या मासिक धर्म को लेकर? मैम जैसे कि मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम होता है तो उस टाइम पर मेरे हिसाब से फीमेल्स को ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो टाइम हम बता नहीं पाते कि हमें कितना पेन हो रहा है, ना कोई वो चीज़ समझ पाएगा। तो रही फैमिलीज़ की बात, तो कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं उस चीज़ को शर्मनाक एक उसमें लेती हैं कि किसी से बोल नहीं पाती हैं क्योंकि वो थोड़ा शाय फील करती हैं। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी ने ही क्रिएट की है, जो पहले से चली आ रही हैं चीज़ें, तो वो इस वजह से भी बता नहीं पाती है, जिसकी वजह से सामने वाले भी शायद समझ। तो क्या अभी सोसाइटी में बदलाव आपने देखा है? क्या आप लोगों में बदलाव देख रही हैं आप इस पीरियड्स टैबू को लेकर? मैम जैसे कि मेरे हिसाब से तो आपके शायद परिवार का ही बता दीजिए, आपके परिवार में क्या देखती हैं? मैम परिवारों में भी ऐसा है कि हम जैसे अगर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम ना अपने भाई से शेयर कर सकते हैं, ना अपने पापा से शेयर कर सकते हैं, और इवन हम मम्मी को भी बताएंगे तो जाहिर सी बात है वो भी यही बोलेंगे कि नहीं इतना कुछ नहीं होता है, ठीक है हो जाएगा, सबको होता है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, काफ़ी टाइम से हो रहा है, अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो। तो ये चीज़ मैम ऐसे है, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा हमें समझना चाहिए, और जो फीमेल है हमें उनको थोड़ा ज़्यादा केयर करनी चाहिए इस
टाइम। बिल्कुल, केयर की, आराम की जरूरत है, इसीलिए ये मुद्दा भी उठा है कि लीव मिलनी चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इस विषय पे तो कभी बात ही नहीं हुई कि महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए पीरियड्स के लिए। एक और बात इसी में सामने आती है, हम बात कर रहे हैं मान्यताओं की, सोच की, किसके सामने बात करना है। समाज ने ये नॉर्म्स बनाए कि अचार मत छूना सड़ जाएगा, है ना, हल्दी मत देखना लाल हो जाएगी, भगवान के पास मत जाना दोष लग जाएगा। फिर यहीं पर हम ये देखते हैं कि ये सब अगर इस विषय पे कभी आदमियों ने बात नहीं करी, पुरुषों ने कभी बात नहीं करी, तो ये सोच, ये नॉर्म्स भी फिर किसी महिला ने ही बनाए जो खुद इस पीरियड से ग्रसित है। तो क्या लगता है आपको, ये जो सोच है, इस सोच को महिलाएं ही कैसे बदल सकती? मैम, महिलाओं का मासिक धर्म से गुजरना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विरोधी दल कहता है कि एम्प्लॉयर्स उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, उनके साथ वर्क प्लेस पे भेदभाव होगा, वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकती है। तो मेरा मानना है कि जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम और स्वीडन, स्पेन जैसी कंट्रीज की जीडीपी क्या गिर चुकी है? क्या उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है? क्या वहाँ पे महिलाएं बेरोजगार हैं? क्या वहाँ पे महिलाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हैं? ये ऐसे देश हैं जो टेक्नोलॉजी में सबसे सक्षम है और हर चीज़ में आगे हैं। तो भारतीय महिलाएं भी कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देंगी जब वो मेंस्ट्रुअल लीव की मांग कर रही हैं कहीं ना कहीं, और ऑप्शनल लीव की मांग कर रही हैं कहीं ना कहीं। एक लंदन यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक 80% महिलाओं को सीवियर पेन होता है शुरू के 3 दिन या 2 दिन में। और अभी रिसेंट में ही जो एक बदलाव आया है, हमने केरल गवर्नमेंट द्वारा देखा है कि स्कूली छात्राओं को 75% अटेंडेंस ना देके 73% तक की अटेंडेंस कंपलसरी की गई है। इसका मतलब जो एक आउटकम हमें मिलेगा कि जो स्कूल मतलब प्रोडक्टिविटी है स्कूली छात्राओं की, वो देखने को मिलेगी। और रहा सवाल टैबूज का, तो महिलाओं को और लड़कियों को साइंटिफिक रीजन पूछना चाहिए कि क्यों अगर हमें अचार नहीं छूना है, क्यों वहाँ नहीं जाना है, क्यों ये कार्य नहीं करना है। जब तक हमें रीजन नहीं पता होगा, हम ये टैबूज क्यों माने, ऐसी मान्यताओं पर अंधविश्वास क्यों करें? यानी अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है ऐसी मान्यताओं पर, हमें ये समझना चाहिए कि इन चीजों का, इन नॉर्म्स का भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक एक रीजन है, शायद इसलिए हमें रोका भी जाता है। कुछ ऐसे प्रूवन नॉर्म्स भी हैं जो साइंटिफिकली प्रूव है कि हाँ ये सही बात है, लेकिन कहीं कहीं पर महिलाओं के साथ ऐसा भी बर्ताव होता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज भी पीरियड्स ऐसी अंडररेटेड चीज क्यों है। आज हम छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस पर विचार कर रहे हैं, यानी इस पर ये नहीं सोचा गया कि छुट्टी मिलनी ही चाहिए, मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसी पर अभी भी बहस जारी है और सुप्रीम कोर्ट तक ये याचिका गई है। एक और सवाल यहाँ पे बनता है मीनाक्षी, कि हमने बात करी जापान की, बात करी यूक्रेन की, बात करी अलग अलग, माफ कीजिएगा अगर मैंने किसी गलत देश का नाम लिया हो, अलग अलग हमने देखा साउथ कोरिया में इस मेंस्ट्रुअल लीव की हम बात कर रहे हैं, वहां पर मिलती है छुट्टी। हमारे देश में बिहार और केरला दोनों जगह पर ऐसे ये स्टेट्स हैं जहां पर छुट्टियां दी जाती हैं। तो क्या ये माना जाए कि लिटरेसी, यानी ये कहा जाए शिक्षा का अभाव या ज्यादा शिक्षित लोग, ये ही डिसाइड कर रहे हैं कि छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं? जिस बेंच ने ये फैसला महिला बाल विकास आयोग को सौंपा है, उस बेंच पे कोई भी महिला वकील नहीं थी। तो आपको क्या लगता है कि जो ये पैमाना तय किया गया है डिसीजन लेने का, या इसमें क्या शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल आप मानती हैं? बिल्कुल, शिक्षा का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। और अगर जैसे आपने बताया कि वहाँ पर कोई भी महिला नहीं थी उस जब वो याचिका खारिज करी गई, तो वो बाल विकास जो संस्थान है वहाँ पे कोई भी महिला नहीं थी, तो वहाँ पर अगर महिला होती वहाँ पर और वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सकती होती, उसको ज़्यादा समझ होती उस चीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कि अगर यहाँ पर छुट्टी रखने की मांग करी जा रही है तो इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा तभी यहाँ पर छुट्टी रखने की मांग करी जा रही है। जिस वकील ने ये याचिका दायर करी है उस वकील ने क्यों करी, उसकी क्या मानसिकता थी, तो इस जो ये पूरा ये कॉन्सेप्ट रखा गया, इसमें बिल्कुल शिक्षा का रोल है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम समाज को आगे बढ़ाएंगे, ना कि ये बोलेंगे कि महिलाओं को छुट्टी की क्या ज़रूरत है, वो तो दर्द झेलती आ रही हैं, यूज़ टू हो चुकी हैं, तुमको 13 साल की उम्र से पीरियड स्टार्ट हुए थे, आज तुम 25 साल की हो गई हो, तुम इतने सालों से क्या कर रही हो, तुम्हें तो यूज़ टू होना चाहिए इसको लेकर, कि तो नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल नहीं है। किसी किसी के लिए, आपने जैसे बिहार का जिक्र करा, बिहार का ये केस है कि पति ने पत्नी को इतना मारा कि वो दर्द में उसने काम नहीं किया, उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि पति ने उसको और मारा कि तेरे को ये दर्द क्या महसूस हो रहा है, मैं तेरे को इससे ज़्यादा दर्द दूंगा। तो ऐसे ऐसे भी सिनारियोज हैं, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पीरियड्स के दर्द से लड़कियों की डेथ तक हुई है। तो अगर हम शिक्षित जितना ज़्यादा होंगे उतना इस टैबू को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल, एक
छोटी सी लड़की है, वो 12-13 साल की लड़की है, दुकान में जाके बोलती है मुझे सैनिटरी पैड्स चाहिए, तो वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले सकती है, उसको शर्म आती है कि अब बगल में अंकल आंटी खड़े हैं, वो ना क्या सोचेंगे, वो देख रहे होंगे, फिर वहाँ का जो दुकान वाला है बंदा वो उसको पेपर में रैप करके दे रहा है या काली पन्नी में चढ़ा कर दे रहा है प्लास्टिक वाले बैग में। तो ये सारी चीज़ें आप पीरियड्स को लेकर आज आप टैबो इतना बड़ा बना रखा है कि समाज में के पीरियड्स जो हैं वो किसी को पता ना चले। मैंने ये भी देखा है जैसा आपने जिक्र किया कि किसी को पता ना चले, ये एक बहुत शर्म का विषय हो जाता है। मैंने कुछ मीम्स अभी देखे रिसेंटली जब से ये विषय उठा है, लड़के बोल रहे हैं कि अब कोर्ट में पीरियड्स पे बात हो रही है, क्या अब कानून व्यवस्था के पास या हमारे न्यायालयों के पास कोई इतना समय आ गया है कि वो महावारी पर बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी आए हैं और वहां पर जिस तरह से हमने देखा ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया वहां पर भी कुछ दलीलें महिलाओं ने ही दी कि फिर हमें कम आका जाएगा, हमें पुरुषों से कम आका जाएगा अगर हमें ये भीख, इन शब्दों का भी इस्तेमाल कुछ महिलाओं ने किया, ये भीख या ये दया हमें दिखा दी गई। तो आने वाले समय में क्या ये विषय एक बड़ा रूप ले सकता है, क्या इस याचिका को जब खारिज कर दिया गया तो महिला बाल विकास आयोग भी इस बात को दबा देगा? रितिका क्या मानती है? देखिए, ये कहीं से भी मानना सही नहीं है कि हम उनसे कम होंगे, क्योंकि पहली चीज़ कम तो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आप इसे टॉलरेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा कि हम नॉर्मलाइज करें सबसे पहले इसके बोलना। हम आपस में ही देखते हैं कि कोई पीरियड्स को पीरियड्स के नाम से नहीं बोलता, पहले तो ये नॉर्मलाइज किया जाए, रूट कॉज से बहुत छोटे तरीके से स्टार्ट किया जाए। और जब हम बात कर रहे हैं कि जो पुरुष है वो इसे नहीं समझ रहे, बहुत सी महिलाएं, क्योंकि क्या होता है कि दर्द जो है वो वैरी करता है, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को बहुत कम, कभी किसी को ज्यादा, कभी किसी को कम, तो जिन्हें कम होता है वो ही इस बात को नहीं समझ पाती। तो जो महिलाएं ही जब इसके सपोर्ट में नहीं आ रही तो हम पुरुषों से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे इस चीज में। तो यहां पर बात वही है, जिस पर बीतती है उसी को समझ में आती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी जिस पर नहीं बीत रही वो नहीं बोले इन चीजों पर, और यहां तक कि ये कर सकते हैं कि समर्थन दे सकते हैं उस चीज का। बिल्कुल, तो यानी ये कहा जाए पुरुषों के लिए साफ मैसेज है हमारी इस चर्चा का कि आप समर्थन दें, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कि हम किस चीज से गुजरते हैं, और महिलाओं में क्योंकि इतनी शक्ति है, सहन शक्ति है, वो इन सब चीजों को सहन कर सकती हैं, इसीलिए शायद उन्हें शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। लेकिन जिस आपदा से हम हर महीने गुजरते हैं उस पर चर्चा करना, उसके लिए कुछ कानून लाना, कुछ प्रावधान लाना और एक छुट्टी दे देना, शायद इतनी बड़ी मांग नहीं है जो महिलाओं की ओर से की जा रही है। देखना होगा आने वाले समय पर इस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल हमारी खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।